अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा ब्लॉग है जी। हम आज करेंगे, खुद ही लॉन्ड्री वाले बनेंगे। हमारे जो छुट्टी के बाद हम आए हैं, ईद की छुट्टियों के बाद, तो हमारे जो कपड़े हैं वो काफी इतने खराब नहीं है, लेकिन इधर चूंकि पड़े थे ईद पे, हम इधर ही छोड़ के गए थे। तो अब उनको थोड़ा है तो साफ सुथरे, लेकिन उसको थोड़ा फ्रेश करेंगे लॉन्ड्री वाले, क्योंकि लॉन्ड्री वाले तो ईद की छुट्टियां हैं और लॉन्ड्री वाले छुट्टी पे हैं, और हम ये अपने कपड़े खुद ही साफ करेंगे। और हम जा रहे हैं जी ऊपर लॉन्ड्री वालों के पास, जहाँ पे लॉन्ड्री वाले सारा काम कर रहे हैं, और जिस तरह हम वो मशीन चलाएंगे, जो जो करेंगे, आपको आपको भी साथ साथ दिखाएंगे वो मशीन किस तरह चलती है, उसका क्या प्रोसीजर है। और मेरे साथ और ये पहुंच गए अजीर भाई, कह रहे हैं जी मैं वीडियो में नहीं आना चाह रहा। तो ये हम पहुंच गए जी ऊपर लॉन्ड्री पे, ये सारी मशीनें पीछे पड़ी है। मैं बैक कैमरे से आपको इसका सारा व्यू एक बार चेक करवा देता हूँ जी। ये देख लें, ये इस एरिए पे हम खड़े हैं, ये हमारी मशीन है, ये आदिल भाई लगा हुआ है, और ये ड्राई मशीन है। इसमें जो भी हम करेंगे ये भी आपको दिखाएंगे, चेक करवाएंगे। और ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें वो साबुन वगैरह सर्फ वगैरह जो निकालते हैं इससे। अब उधर है, उधर वो धुलाई करेंगे कपड़े, ये इसमें कपड़े सारे धुलाई करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद इसमें वो सर्फ वगैरह वो सारा निकलेगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है ड्रायर वाला, इस पर हम चलाएँगे फिर। और जब उधर से हमारा कंप्लीट होगा प्रोसीजर, फिर इसमें आएगा, फिर वो भी आपको चेक करवाएंगे ये किस तरह चलेगी। यहाँ से ड्राइर होता है, और ये ड्राइर मशीन से जो पानी निकलता है, जैसे पानी डिस्प्यूज होता है जी। और फिर इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो है, ये जो रस्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं इसके ऊपर सुखाने के लिए लटकाएंगे। और इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो फिर इधर से उतारेंगे। उतारने के बाद हम आएँगे जी इस जगह पे, प्रेस वाला एरिया है, यहाँ पर हम प्रेस वगैरह करेंगे, ये इनकी इस्त्री वगैरह वो इधर सारा कुछ पड़ा होता है। तो ये लॉकर हैं जहाँ पे वो इस्त्री वगैरह करके यहाँ पे वो कपड़े रखते हैं, सेव करते हैं। और इधर भी देखें जी, लॉन्ड्री वालों के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है, बाहर का एरिया, ये विंडो है, ये देखें, ये विंडो, विंडो से बाहर ग्रीन एरिया, ये सारा, ये आगे जाली लगी हुई है, सारा ग्रीन एरिया। मतलब लॉन्ड्री वाले जब भी बोरिंग शोरिंग महसूस करते हैं तो थोड़ा झाँक लेते हैं बाहर, तो थोड़ा उनका मेंटली तौर पर वो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। ये लॉन्ड्री वाली सारी सिस्टम पड़ा है, ये मशीनें मशीनें पड़ी हैं। अदील भाई इसको चलाएंगे, और इसको ऊपर करें, वो भाई ऊपर करें इसको। ये जी ये मशीन है, रेडी है, इसको थोड़ा, हाँ ओके, ओए शोर नहीं करना भाई। अब इसको थोड़ा चेक कर लें ताकि पता चल जाए कनेक्शन कनेक्शन बिजली का कहीं कहीं से कट छट तो नहीं है, कनेक्शन रेडी है। तो फिर इसको पहले खाली चला के देखते हैं, थोड़ा सा पानी हमने डाला है, पहले खाली चला के इसको चेक करेंगे, फिर अगर सही हुई चलती हुई तो फिर इसमें हम कपड़े सपड़े धुलाई करेंगे। हमने ब्रेकर से करान किए हैं, ये सारे बंद किए हैं, अब हम इसको थोड़ा ब्रेकर शेकर सारे ऑन हो चुके हैं, अब चलाए हो भाई। ये बटन पहले इधर से ऑन हो गया, हाँ अब ये चल रहा है इधर साइड पे, है ना। ये इसका पानी हमने खोल दिया, ये पानी जा रहा है, ये पानी जा रहा है, अब ये फुल होगा तकरीबन 10 मिनट, इतना पानी चल रहा है, तकरीबन 10 मिनट चलाएंगे, ये थोड़ा आसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सर्फ वगैरह। इस जगह तक पानी जाएगा, इस जगह तक फुल होगा, फिर इसके बाद इसमें हम कपड़े शपड़े डालेंगे, तब तक इसको पानी से। ये हमारी मशीनें बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हो चुकी हैं, अब इसको बंद करेंगे। स्टार्ट हो चुकी है, और ये क्लोज हो चुकी है, क्लोज कर दे भाई। इस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये 10वें फ्लोर पे, हम ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे खड़े हैं, 10वें फ्लोर के टॉप फ्लोर पे, ये लॉन्ड्री वाला सिस्टम सारा जो है ये 10वें फ्लोर के ऊपर है। यहाँ से
इसका बहुत ही अच्छा व्यू आता है। ये मैं व्यू आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये थोड़ा अंदर का व्यू था और ये बाहर का व्यू मैं आपको चेक करवाता हूँ। इधर से बहुत ही खूबसूरत हसीन नज़ारा है, इधर से देखने को आपको मिलेगा। ये देखिए, ये सारा, ये जो सारा ड्रेन है तो बारिशों वगैरह का पानी सारा उधर जाता है, इस सोसाइटी का सारा पानी उसको ड्रेन में जाता है। ये और ये हॉस्टल है और ये सोसाइटी है। इसका सोसाइटी का मैं इधर से आपको व्यू चेक करवाता हूँ। इधर से बहुत ही क्लासिकल व्यू आता है। इधर से बंदा जब क्या करें, इसको धोएं खुद ही, कहीं जो भी करना है करें। मैं बैक कैमरे से आपको चेक करवाता हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही क्लासिकल नज़ारा है। ये अभी भी वो आगे जो फ्लोर है वो ये 10th फ्लोर है और वो है 11वां 11वां फ्लोर है। वो अभी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है, अभी वो 11वां फ्लोर तैयार कर रहे हैं। श्री राधे, ये देखें, ये हमारे कपड़े कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमने बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। अब इसको निकाल के इधर करेंगे, पानी से निकाले, हाँ नहीं बस ऐसे निकाल निकाल के फेंकें यार। ये अधीर भाई लगे हुए हैं, मेहनती बंदे हैं बहुत ही। निकाल के फिर इधर से इधर और यहाँ से पानी में हल होकर इसको चलाएंगे। उसी तरह प्रोसीजर वही है, सेम मशीन है लेकिन इसमें पानी है और उसमें सिर्फ सरफ है। इसी तरह ये निकालेंगे, निकाल के फिर अगला प्रोसीजर वो इस मशीन में ड्रायर में करेंगे, इसमें सारा वो भी आपको चेक करवाएंगे दिखाएंगे। अब इसका सफर सरफ चेक करते हैं, सरफ निकल गया है, लगाएं जा जा नहीं है, मस का खाना खाते हैं भाई, जान किधर से आएगी आप। ये इसका पानी सारा, ये सरफ वाला पानी, ये गंदा पानी, अदील भाई की सारी मैल इसमें। और अगला प्रोसीजर ये मशीन आ गई जी, ड्रायर। ड्रायर में, ड्रायर का तरीका कार ये है कि जी इसमें जो भी आपने कपड़ा रखना है वो ये पकड़े ना, एक मिनट चलाओ यार, टाइम नहीं है। तो समी साहब फिर खाना नहीं देता है हमको, समी साहब दूसरा ये जी कि जितनी तेजी से ये जितनी तेजी से चल रही है, इसके नजदीक आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, कोई पता नहीं कपड़ा निकल भी सकता है। और जब तक इधर से पानी निकल रहा है तो इसका मतलब आपके जो कपड़े हैं उसमें अभी पानी है, नमी है। जब तक ये पानी खत्म नहीं होगा तब तक आपने उधर से इसका स्विच ऑफ नहीं करना ड्रायर का, मुकम्मल खुश करने का यही तरीका है। मतलब अगर धूप छूप है तो फिर थोड़े बहुत खुश कर लें, अगर थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो उसको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि धूप में खुश हो जाते हैं। और अभी जो चूँकि मौसम हमारा इस तरह का है, रात हो चुकी है तो रात में ये है कि हमें चाहिए भी एक घंटे तक, तो इसलिए हम ये सारा पानी इसका निकालेंगे। हमारा ड्रायर मशीन वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया है और अब हम कपड़े सुखाने के लिए रस्सी के ऊपर लटका रहे हैं। और चूंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और प्रेस हम सुबह ही करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय। हमारा आज का ब्लॉग मुकम्मल हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको इस ब्लॉग में कुछ सीखने को मिला है, कुछ आपके नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा। तो हमारा अगला ब्लॉग बहुत जल्द आएगा, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू जी, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।